दर्पण सूत्र। दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। आइए हम अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u को ज्ञात करते हैं। ये देखिए, यहां MPN एक अवतल गोलीय दर्पण है, P इसका ध्रुव है, F फोकस है और C क्या है, वक्रता केंद्र है। और जो ये PK दिखाई दे रही है, ये यहां इस तरह से, ये इसकी मुख्य अक्ष है। इस अवतल दर्पण के सम्मुख ये यहां AB एक वस्तु रखी है, तो निश्चित ही ये जो P से लेकर जो B तक की दूरी है वो हमारी कौन सी दूरी होगी, वस्तु की दूरी, जिसे हम U से व्यक्त करेंगे। आइए अब हम ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखकर इसका एक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। प्रतिबिंब के लिए क्या करना है, हमें एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित करना है और अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर चली जाएगी। फिर एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा से हमें सीधी आपतित करना है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाएगी परावर्तित होकर। तो इस तरह से दोनों परावर्तित किरणें आर पर मिलेगी और हमारा जो प्रतिबिंब है वो आर एस हमें प्राप्त होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और ये वस्तु ए बी की तुलना में देखिए प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, उल्टा और वास्तविक है। तो यहां P से लेकर जो S तक की दूरी होगी ये हमारी होगी प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम V से व्यक्त करेंगे। और जो P है वहां से लेकर F तक की जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे PF, ये हमारी हो जाएगी फोकस दूरी। तो हमें संबंध निकालना है P से लेकर B तक की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी जिसे हम U कहते हैं, P से लेकर S तक की दूरी अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम V कहते हैं, और P से लेकर F तक की दूरी जिसे हम इस दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे F, उसमें संबंध। तो हमें निकालना है U, V और F में संबंध। क्या किया हमने, प्रतिबिंब कैसे बनाया, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रख लिया हमने AB को, और इससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली और दर्पण से परावर्तन के बाद उसे फोकस से होकर गुजार दिया, और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा से डालकर परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौटा दिया, और इस तरह से हमने प्रतिबिंब प्राप्त कर लिया RS। अब यहां हम एक रचना भी करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा दर्पण है इसका ये जो परावर्तक तल है जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती थोड़ा दबा हुआ है, तो ये जो शेप है इसका ये दबा हुआ है, तो हम यहां थोड़ा सा एक अपनी ओर से एक रचना इस तरह से कर लेंगे कि D से हम एक मुख्य अक्ष पर लंब खींच देंगे DE। तो ये आप एक रचना कर लीजिएगा कि D से मुख्य अक्ष पर लंब हम खींचेंगे DE। अब बच्चों
आपको यूवी एप में संबंध लाना है। आपका यह चित्र तैयार है और इसकी सहायता से आपको यूवी एप में संबंध लाना है। तो हमें कहीं ना कहीं ये यू का जो बिंदु है बी और बी का जो बिंदु है एस, इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में, और जरूरत पड़ने पर इस एफ को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये वस्तु की दूरी का जो बिंदु है बी और प्रतिबिंब की दूरी का जो बिंदु है एस, इसको ये सी कनेक्ट करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां हमें इस सी सी को अगर आप देखिए तो सी के सी को मिलाते हुए हमें दो समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। आपको दिख रहे हैं ये देखिए, यहां ये देखिए, ये एक समरूप त्रिभुज है, ये एक समरूप त्रिभुज है, देखिए। तो ये समरूप त्रिभुजों का एक जोड़ा हमें प्राप्त हो गया है। इस समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एस आर सी, एस आर सी ये समरूप है। देखिए सी को मिलाते हुए आपने देख लिया ए बी सी और एस आर सी समरूप है। अब आप जानते हैं कि जब कोई समरूप त्रिभुज हो जाते हैं दो त्रिभुज, तो फिर उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आनुपातिक हो जाती है, अर्थात ए बी जो लंब भुजा है ए बी बटे आर एस, वही उसकी आधार भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा बी सी बटे एस सी। देखिए फिर से कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, ए बी सी और त्रिभुज एस आर सी समरूप है। तो अब इसकी संगत भुजाएं लीजिए, तो इसकी लंब भुजा ले लीजिए ए बी और इसकी लंब भुजा ले लीजिए आर एस, ये हो गई लंब भुजा है। अब इसकी आधार ले लीजिए बी सी और इसकी आधार ले लीजिए एस सी। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एस आर सी समरूप हैं, तो ए बी बटे आर एस, देख लीजिए चित्र में ए बी बटे आर एस बराबर हो गया, आधार भुजाओं में देखिए बी सी बटे एस सी, ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर एक। अर्थात हमने इस बी और एस को कनेक्ट करने के लिए सी से दो समरूप त्रिभुज बनाकर इस तरह से कर लिया। अब हम यहां देखिए आप ये इसको भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम एफ से अब दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। देखिए आप देखिए एक समरूप त्रिभुज आप यहां देखिए डी ई एफ और दूसरा हमारा है, तो हमने यहां देखा कि हमारा जो त्रिभुज है ये डी ई एफ और ये, अब फिर से देखिए ये इधर देखिएगा एस आर एफ, ये दोनों समरूप हो गए। कौन सा वाला, ये वाला देखिए एस आर एफ और ये डी ई एफ, ये समरूप है। अब इसमें भी फिर आप वही कीजिएगा बच्चों, डी ई एफ और एस आर एफ को देख लीजिए, संगत भुजाएं अनुपातिक कीजिए तो इसकी क्या हो जाएगी डी ई और इसकी हो जाएगी आर एस, तो ये हो गया डी ई बटे आर एस बराबर यस आधार में बोलिए ई एफ बटे एस एफ, वेरी गुड ई एफ बटे एस एफ। देखिए क्या किया हमने, डी ई एफ और एस आर एफ समरूप है। अब आप चित्र में वहां देख लीजिए तो क्या लिखेंगे हम, डी ई लिखेंगे लंबुजा बटे आर एस लंबुजा, डी ई बटे आर एस, और इधर क्या लिखेंगे हम ई एफ आधार और बटे एस एफ आधार। तो ये हमारी इसकी लंबुजा है डी ई और ये आर एस और ये फिर ई एफ और ये एस एफ, ये हमारी समीकरण नंबर दो हो गई। तो हमने दो समरूप त्रिभुज लेकर ये दो समीकरणों की रचना कर ली। अब इन दोनों समीकरणों में अगर बाएं पक्ष में आप देखें तो यहां एक ए बी को देखिए और इसको डी ई को देखिए, नीचे तो आर एस है दोनों में, ए बी और डी ई आप यहां चित्र में देखिए ध्यान से ए बी और डी ई, अगर दर्पण का द्वारक छोटा है और ये आप ध्यान से देखें अगर इसको,
अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा ए बी है, ये और ये डी, ये दोनों हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये दो समांतर रेखाओं को मिलाने वाली रेखाएं हैं, तो निश्चित रूप से दोनों बराबर होंगी। तो ए बी और डी ई हमारे क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ऐसे हालात में देख लीजिए, अगर आप ए बी और डी ई बराबर हो गए, तो फिर यहाँ इस समीकरण में देखिए, ए बी और डी ई बराबर हो गए, तो ये फिर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की दोनों समीकरण हैं बाएं पक्ष की, ये दोनों बराबर हो गई है। तो अब हमारी दाएं पक्ष की समीकरणें भी आपस में बराबर होगी, तो हम कहेंगे एक और दो से बी सी बटे एस सी बराबर ई एफ बटे एस एफ, मतलब ये वाली समीकरण बी सी बटे एस सी और बराबर हो गया ई एफ बटे एस एफ। हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो उस स्थिति में ये जो ई एफ है, इसको आप ध्यान से देखिए कहाँ है ये। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं पी एफ के, क्योंकि जब द्वारक छोटा हो जाएगा तो पी और ई अत्यंत निकट आ जाएंगे। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये पी और ई पास पास आ जाएंगे, तो ऐसी हालत में ई एफ की जगह हम लिख सकते हैं पी एफ। तो हमने ई एफ की जगह पी एफ लिख दिया, तो ये बन गया बी सी बटे एस सी बराबर पी एफ बटे एस एफ। अब आप इस समीकरण नंबर, ये हमारी 4 हो गई, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सब मुख्य अक्ष पर आ गए हैं। देखिए, अब बी सी भी मुख्य अक्ष पर आ गया है, एस सी हमारा मुख्य अक्ष पर है, पी एफ मुख्य अक्ष पर है और एस एफ ये भी मुख्य अक्ष पर है। केवल अब जो हमें करना है वो ये है कि केवल इसमें एक मान अभी पी एफ जो है वो ध्रुव से नापा गया है, पी एफ जिसमें पी आ रहा है, बाकी तीन में पी नहीं है। तो अब हम बाकी तीन में भी पी ले आएंगे, अर्थात पी से, ताकि दूरी को हम आसानी से हम उसकी गणना कर सकें, उसको नाप सकें, तो हम उसमें भी पी लाएंगे। मतलब हम बी सी जो दूरी है हमारी उसमें भी पी लाएंगे, एस सी की दूरी में भी हम पी की एंट्री करेंगे और एस एफ की एंट्री में भी, एस एफ में भी हम पी की एंट्री करेंगे। देखिएगा आप, ये जो बी सी है इसको हम देखें, तो बी सी के लिए आप देख लीजिए, ये बी सी एक्चुअली है क्या, तो ये बी सी यहाँ देखिए ये हो रहा है बी सी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप पी बी में से ये पी सी को हम घटा देंगे। देखिए फिर से बी सी को, बी सी के लिए देखिएगा यहां से, देखिए पी से ये पी बी माइनस, फिर से देखिए पी सी, तो ये हो गया बी सी, पी बी माइनस पी सी ये आपने लिख दिया। अब एस सी को देखिए आप, ये एस सी आप ही बता दीजिए एस सी के लिए, तो ये हो जाएगा पी सी माइनस पी एस, ये पी सी माइनस पी एस हो गया। अब पी एफ तो है ही, अब एस एफ बता दीजिए, ये एस एफ, चलिए बताइए एस एफ, बिल्कुल ठीक है, पी एस माइनस पी एफ, तो ये सारी दूरियां हमने पी में कन्वर्ट कर ली। देखिए बी सी को हमने क्या लिखा, चित्र में देखकर देखिएगा, पी बी माइनस पी सी, फिर एस सी देखिए, पी सी माइनस पी एस, फिर पी एफ है ही। अब एस एफ को देख लीजिए, पी एस माइनस पी एफ। अब हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे और एक एक मान को लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है हमें कि ये जो ध्रुव से सारी दूरियां इस तरफ जाएगी या जो नापी जाएगी, ये सब ध्रुव से बाएं हाथ की तरफ बढ़ने वाली सारी दूरियां इस मुख्य अक्ष पर ऋणात्मक होगी, और चूंकि हमारी सारी दूरियां इस मुख्य अक्ष पर बाएं हाथ की तरफ ही है, ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए सब दूरियां हमारी ऋणात्मक होगी, सारी दूरियां, ठीक है। अब हम ये पी बी को देखते हैं कि पी से लेकर बी तक की दूरी, तो ये पी से बी तक की दूरी को अगर हम देखें, तो ध्यान से देखिए, पी से बी तक की दूरी हम लिख रहे हैं माइनस यू, क्यों? क्योंकि ये हमारे वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को हम यू से व्यक्त करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू। फिर दूसरी दूरी देखिए पी एस, ये हमारे प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये हो जाएगी माइनस वी, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से व्यक्त करते हैं, तो ये माइनस वी हो गया। अब तीसरी दूरी देखिए पी एफ, तो ये पी एफ फोकस दूरी है, ये हो जाएगी माइनस एफ। और एक और दूरी आप देख लीजिए पी सी, ये पी से सी तक की दूरी, मतलब वक्रता केंद्र तक की दूरी, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो ये हो गया माइनस आर। तो
तो इस तरह से हमने ये चारों दुनिया तो लिख ली है। पी बी हमारी वस्तु की दूरी है जो माइनस यू है। पी एस प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेंगे, माइनस वी। पी एफ फोकस दूरी माइनस एफ। और पी सी वक्रता त्रिज्या माइनस आर। अब हम सारे मान यहां रख देंगे। देखिए तो सभी मानों को हमें बड़ी सावधानी से रखना है, अर्थात ये माइनस तो हमारे ऑलरेडी इसमें हैं और इन सब मानों को भी हमें माइनस में ही रखना है। मतलब ये जितने भी मान हैं यहाँ समीकरण में ये सब माइनस है और ये वाले माइनस भी हमें साथ में चलाना है। अब देखिए पी बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस यू, और ये हमारी समीकरण का माइनस हो रहा है। पी सी की जगह करेक्ट माइनस आर, फिर पी सी की जगह माइनस आर, ये हमारे समीकरण का माइनस। फिर पी एस की जगह माइनस वी, पी एफ के स्थान पर माइनस एफ, पी एस की जगह फिर से माइनस वी, ये हमारे समीकरण का माइनस। देख लीजिए ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, और ये पी एफ की जगह माइनस है। तो सारी दूरियों को हम इसे चिन्ह परिपाटी से यहाँ इंटर कर देंगे या भर देंगे। तो हमने सब चिन्ह परिपाटी से मान रख दिए। क्या लिखा हमने, पी बी की जगह माइनस यू, माइनस पी सी की जगह माइनस आर, फिर पी सी की जगह माइनस आर, ये माइनस, और पी एस की जगह माइनस वी। फिर पी एफ हमारा माइनस एफ है, पी एस की जगह माइनस वी, और माइनस और पी एफ की जगह माइनस है। अब देख लीजिए दो माइनस इकट्ठे हुए तो आप इसको प्लस कर दीजिएगा, तो माइनस यू प्लस आर, फिर ये माइनस आर प्लस वी, फिर ये माइनस एफ, और ये माइनस वी प्लस एफ। ये आपने दो माइनस हुए तो यहाँ फिर से इसको प्लस कर दिया, तो अब ये आपका हो गया माइनस यू प्लस आर अपान माइनस आर प्लस वी, और ये हो गया माइनस एफ, और ये हो गया माइनस वी प्लस एफ। अब क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस गुणा कर दें। तो देखिए क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसको इसमें, इसको इसमें। तो देखिए माइनस यू का माइनस वी में, तो ये हो गया यू वी माइनस इंटू माइनस, तो ये हमारा प्लस हो गया, तो ये यू वी हो गया। और माइनस यू का एफ में, तो ये माइनस यू एफ। फिर आर का माइनस वी में माइनस आर वी, और आर का एफ में आर एफ इज इक्वल टू। अब माइनस आर का माइनस एफ में आर एफ, और वी का माइनस एफ में माइनस वी एफ। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये आर एफ और आर एफ ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो आप इनको कैंसिल कर दीजिए, आर एफ आर एफ से कैंसिल हो गया। तो ये होगा यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी इज इक्वल टू माइनस वी एफ। अब चूंकि हमें अपने फाइनल आंसर में, जो भी हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, इस फाइनल आंसर में हमको आर नहीं चाहिए, तो R का रिप्लेसमेंट करेंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए, R का रिप्लेसमेंट, ये P से लेकर C तक की दूरी R है, और R जो है वो इस फोकस दूरी का आधा है P से F तक की। R जो है इस फोकस दूरी का डबल है, P से F तक की दूरी का डबल है, मतलब P से F तक की दूरी जो है वो आधी है। तो ये जो R है ये 2F के बराबर है, तो R इज इक्वल टू 2F, मतलब फोकस दूरी का जो डबल है, तो R इज इक्वल टू हम 2F रखेंगे। ये देखिए P से C तक की दूरी R है और ये P से F तक की दूरी F है, तो R के प्लेस पर हम रखेंगे 2F। तो ये देखिए यहाँ R लिखा है, तो बाकी वैसा के वैसा लिख लीजिए, यू वी माइनस यू एफ माइनस, और R की जगह हमने लिख दिया है 2F, 2FV इज इक्वल टू माइनस वी एफ। अब ये माइनस का 2FV इधर ले लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का 2FV। ये वैसा के वैसा ही लिख दीजिएगा, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू, ये माइनस एफ वी आपका चल ही रहा है, ये वी एफ एफ वी जो भी है, और ये प्लस का 2FV है। तो प्लस 2FV में से एफ वी गया तो ये बचेगा आपका एफ वी, तो हमारा बचा यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू एफ वी। अब जो यू वी एफ के हमारे संबंध है, उन संबंधों के अंदर हम ये वन अपान में ये संबंध आएंगे, तो आप बेटर होगा कि यहाँ यू वी एफ का इस पूरी समीकरण में भाग लगा दीजिए दोनों पक्षों में। तो यहाँ अगर आप भाग लगाएंगे यू वी में यू वी एफ का, तो यू वी से यू वी कैंसिल होगा, यहां ऊपर बचेगा वन और नीचे आएगा एफ, वन अपान एफ माइनस यू एफ में यू एफ का, यू वी एफ का भाग लगा दीजिए यू एफ में, तो फिर ये यू एफ से यू एफ कैंसिल होगा, बचेगा वन अपान वी इज इक्वल टू यू वी एफ का भाग इसमें भी लगाइए एफ में, तो ये बचेगा वन अपान यू। तो ये आएगा हमारा वन अपान एफ माइनस वन अपान वी इज इक्वल टू वन अपान यू, और इसको आप इधर भेज दीजिए वापस, क्योंकि हमें फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रखते हुए सूत्र, फाइनल सूत्र लिखना चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा वन अपान एफ इजिकल टू वन अपान यू प्लस वन अपान वी। मतलब ये फोकस दूरी का साइन पॉजिटिव रखने के लिए, फोकस दूरी यहाँ
पॉजिटिव हमारे अवतल दर्पण से इस बात का अभिप्राय नहीं है। ये बात का अभिप्राय इस सूत्र से है कि हमें वन अपान एफ लेना है, तो फिर ये वन अपान यू इधर जाएगा, वन अपान वी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपान यू प्लस वन अपान वी, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं वन अपान वी प्लस वन अपान यू। तो ये हमारे अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र हुआ, वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान यू प्लस वन अपान वी। तो इसमें हमें दो तीन खास बातें ध्यान रखना है तो ये हमारा बहुत आसानी से सूत्र हमारा हो जाएगा। एक तो ये है कि जो हम वस्तु लेते हैं ए बी, और उससे एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालिएगा, फोकस से निकाल दीजिएगा, और एक वक्रता केंद्र की दिशा से डालिएगा और उसको सीधी वापस कर दीजिएगा, तो आपके प्रतिबिंब की रचना हो जाएगी ये आर एस। उसके बाद सी के साथ में एक समरूप त्रिभुज का जोड़ा लेंगे ए बी सी और एस आर सी, और फिर एफ के साथ दो समरूप त्रिभुज का जोड़ा, तो यहाँ से एक आप लंब खींच दीजिएगा, तो ये आपके लंब के साथ में ये एक समरूप त्रिभुज का जोड़ा ये यहाँ भी तैयार हो जाएगा, और दोनों में आप संगत भुजाओं को अनुपातिक करिएगा। और उसके बाद में जब आप दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे तो ये दर्पण के द्वारक को छोटा करके यहाँ दूरियों का समायोजन कर लीजिएगा, और सारी दूरियों को मुख्य अक्ष पर ले आइएगा, और मुख्य अक्ष पर लाने के बाद सभी दूरियों को ऐसा कन्वर्ट कीजिएगा कि उसमें पी शामिल हो जाए, और उसके बाद चिन्ह परिपाटी से लेफ्ट हैंड साइड की सारी दूरियां माइनस करते हुए आप मान भर दीजिएगा, और आर के स्थान पर बाद में 2f रख दीजिएगा, और सिंपल मैथमेटिक्स से यूवीएफ का भाग लगा दीजिएगा, तो आपका दर्पण सूत्र आ जाएगा।